चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रोपोर्शन के ऊपर, जो मैंने आपको मॉड्यूल के अंदर, आपके आईसीए मॉड्यूल के अंदर हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सबसे पहले, या क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सबसे पहले। आप क्वेश्चन नंबर 6, उसने आपको बोला फोर नंबर्स आर 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/x, इनका प्रोपोर्शन निकालना है। तो 1/2 बाय 1/3, 1/5 बाय 1/x। अब ये इधर चला गया, या देखिए सिंपल सी चीज है, डिनोमिनेटर में जो भी होता है वो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है। सो 1/5 इंटू एक्स बाय 1, ठीक है, एक्स बाय 5, 3/2, तो एक्स जो है 3 × 5/2, एक्स हो गया हमारा 15/2, ठीक है जी। चलो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शन निकालिए। तो 12 एक्स स्क्वायर एंड 27 वाई स्क्वायर आपके पास। आइए मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, दोनों को हमें इंटू करना है। तो 12 एक्स स्क्वायर इंटू 27 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 12 इंटू 27 324, ये आ गया आपका, तो ये आ जाएगा 18xy, ठीक है जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन से, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाऊं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। कह रहा है जी a इज इक्वल्स टू b बाय 2 इज इक्वल्स टू c बाय 5, a इज इक्वल्स टू b बाय 2 इज इक्वल्स टू c बाय 5, तो a रेशो b रेशो c क्या होगा। देखो बच्चों, जब भी दो इक्वल टू आ जाए ना, हमेशा उसको k के इक्वल ले लो। तो कैन आई राइट a इज इक्वल्स टू k, b बाय 2 इज इक्वल्स टू k, c बाय 5 इज इक्वल्स टू k। सो a इज इक्वल्स टू k, b इज इक्वल्स टू 2k और c इज इक्वल्स टू 5k। तो k रेशो 2k रेशो 5k, 1:2:5 आपके पास आ गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ ऐसा है। आइए a बाय 3, b बाय 4, c बाय 7, a बाय 3, b बाय 4, c बाय 7 आपके पास है और आपको बोला गया ये वैल्यू आपको निकालनी। सीधी सी बात है, दो इक्वल टू आ गए, मैं उसे k मान लूंगा। तो a इज इक्वल्स टू 3k, b इज इक्वल्स टू 4k, c इज इक्वल्स टू 7k। नाउ पुट इट, 3k प्लस 4k प्लस 7k बाय 7k, 14k बाय 7k, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, तो ठीक है जी। इसके बाद टेंथ बाकी सब आप कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। मीन आप आ सकते हैं अब सीधे क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150, 3 पर्सन की एज का सम 150 है और 10 साल पहले तीनों की एज 7, 8, 9 में थी, तो प्रेजेंट एज क्या। देखिए ऑप्शन से करिए, आप कैसे बताता हूं। पहला ऑप्शन क्या है, 45, 50, 55, क्या तीनों की एज का सम 150 है, 45 प्लस 50 प्लस 55, हाँ जी ये 150 है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड बोला उसने 10 साल पहले, अरे 10 साल पहले जो तीनों की एज एक रेशियो में थी, 10 साल पहले ये भाई साहब कितने साल के होंगे, 35 साल के, ये भाई साहब 40 साल के और ये भाई साहब 45 साल के। अब इनकी आप रेशियो निकालिए क्या होगी, 7:8:9, 7:8:9, ठीक है। नौ
उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है 24th आप कर लेंगे, 25th में भी दिक्कत नहीं, 26th भी कर लेंगे आप. 27 देखिए, दो नंबर्स 3:4 में हैं और 6 ऐड कर दिया तो उनकी रेशो 4:5 हो गई. अच्छा क्वेश्चन है 27, आइए किस रेशो में है नंबर, रेशो ऑफ नंबर्स 3:4. कॉमन फैक्टर हम ले लेते हैं x, तो जो नंबर है वो क्या आ जाएंगे 3x एंड 4x. वो कह रहा है 6 ऐड कर दिया तो रेशो हो गया 4:5, तो 3x/4x 6 ऐड कर दिया. 6 ऐड करने पे जो आपका रेशो है वो बन गया 4/5, 3x+6, 4x+6, 15x+30, 16x+24, x = 6 आ गया. तो जो नंबर है वो आपके क्या आ गए, 3 × 6 = 18 और 4 × 6 = 24. ठीक है जी, इसके बाद 28 भी हो जाएगा आपसे. 29 एंड 30, वेरी गुड क्वेश्चंस, जरूर देखिएगा इन्हें. सिंपल से क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 29, ए रेशो बी जो है वो है 4:1. वो आपसे पूछ रहा है रूट ए बाय बी प्लस रूट बी बाय ए, यही पूछ रहा है वो आपसे. हाँ जी, सिंपल है, आप उसको सबसे देसी तरीका, ए की जगह 4 डाल दीजिए, बी की जगह 1, 2 + 1/2, आंसर आ गया 5/2. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए. क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर x b plus c minus a, y c plus a minus b, z a plus b minus c, ये आपके पास गिवन है. ठीक है, अब उसने हमसे पूछा कि भैया इसकी वैल्यू बताओ, b minus c x plus c minus a y plus a minus b z. आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. देखिए अगेन आपके पास दो इक्वल टू है तो आप इसे क्या ले लेंगे, k. तो x b plus c minus a equals to k, तो x हो गया k b plus c minus a, y k c plus a minus b, और z k a plus b minus c. ठीक है, अब आप x y z की ये वैल्यू डालिए, b minus c, x की जगह पूरा डालिए k b plus c minus a, फिर c minus a है, y की जगह ये पूरी वैल्यू डालनी है k c plus a minus b, फिर z की जगह ये पूरी वैल्यू डालनी है k a plus b minus c. नाउ k सम में आ रहा है तीनों में, तो मैं इसे कॉमन लेके बाहर ही रख देता हूं, b minus c, b plus c minus a, c minus a, c plus a minus b, a minus b, a plus b minus c, ये आ गया k. अब देखिए ये b minus c है, आराम से कैलकुलेशन करने का एक तरीका बता रहा हूं, b minus c, b plus c. देखिए हमने देखा हुआ है a minus b, a plus b, अगर ऐसा लिखा हो तो वो a square minus b square होता, एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है. यहां b minus c, b plus c है, तो कैन आई राइट इट b square minus c square, समझ में आया. तो b minus c सिर्फ किसके साथ रह गया, minus a के साथ, तो minus
ए बी प्लस ए सी. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बी माइनस सी बी प्लस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया. अब ये दो तो हो गए मल्टीप्लाई, क्या रह गया माइनस ए, तो माइनस ए को बी से करेंगे माइनस ए बी, और माइनस ए को माइनस सी से करेंगे तो प्लस ए सी प्लस. अब ये सी माइनस ए सी प्लस है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. माइनस बी को सी से करिए माइनस बी सी, माइनस बी को ए से करिए प्लस ए बी. सेम वे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब माइनस सी को ए से करिए माइनस सी ए, माइनस सी को माइनस प्लस बी सी. अब आप देखेंगे सब आपस में कट रहे हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस सी ए बी सी के जीरो. तो इसका आंसर क्या आ गया आपका जीरो. ठीक है जी, ये आपका पूरा का पूरा आंसर है इसका. तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं, और खासकर जो मैंने आपको एक के मेथड बताया ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है.